सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज पूरे भारत में छठ पर्व का पावन दिन और आज मनाया जा रहा है। महिलाएं अपने घरों से निकलकर छठी घाट पे पहुंच गई है, जहां पे छठी माता की वेदी बनाई हुई है, वहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है। साथ ही नदियों की या तालाबों वहाँ पे जाकर माँ गंगा को जलाकर पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं अपने महिलाएं नदियों के किनारे जाकर माँ गंगा की दीप जलाकर पूजा कर रही हैं। शाम के समय कहा जाता है कि सूर्य डूबते हुए सूर्य को अर्घ दी जाती है, उसके बाद से फिर सुबह उठते हुए सूर्य को अर्घ दी जाती है। यह छठ पर्व का मान्यता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए छठ पर्व का व्रत रखा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि छठ व्रत रखने से घर में सुख और शांति कायम रहती है। धीरे धीरे ये पूरे भारत में मनाए जाने वाला त्यौहार हो गया। कुछ दिन में जैसे कि आप देख रहे हैं, आज भारत ही नहीं अमेरिका, जापान, जर्मनी, जहाँ भी उत्तर भारतीय लोग रह रहे हैं वहाँ ये छठ पर्व मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, धूमधाम से मनाने वाला पर्व हो गया। दिवाली और होली के बाद से ये तीसरा ऐसा पर्व है जिसे यूपी बिहार में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिससे बड़े ही नहीं बच्चे भी बहुत खुश होते हैं ये छठ पर्व आने पर, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। और छठ पर्व पर आपको हम बता दें कि आज के दिन शाम को जैसे सूर्य का अस्त होने का समय है, सभी घाटों पे छठ घाटों पे महिलाओं का आना शुरू हुआ। शाम 7 बजे तक महिलाएं छठ घाट पे रही है, वहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माँ छठ की प्रतिमा की वेदी पे गन्ना है, ऊप रख कर लोग पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे दीप जल रहा है। इसी तरह की दीप महिलाएं बताती हैं कि इसी तरह की दीप घर में रात भर जलती है, वहाँ पे रात भर माँ की पूजा चलती है। उस घर में बच्चे बुजुर्ग सब साथ मिलकर पूजा करते हैं। सबसे बात बड़ी बात है कि छठ पूजा करने से पहले लोगों को अपनी पवित्र पर ध्यान रखना चाहिए। घर के हर व्यक्ति पवित्र हाथ धोकर स्वच्छ हो जाता है और घर में इसी तरह की मीट मांस नहीं लाया जाता है। छठ पर हर तरह की फल चढ़ाई जाती है, जैसे कि अनार हुआ, सेब, केला, मूली, गाजर, गन्ना आदि सभी फलों को चढ़ाया जाता है। इस पर्व के लिए बच्चे भी इसलिए उसका यूज करते हैं क्योंकि प्रसाद रूप में उन्हें फल मिलता है। और ये छठ उत्तर प्रदेश में हर शहरों में मनाया जा रहा है। देवरिया, आजमगढ़, बलिया, बनारस की महत्व आज हो गई है। घर की मान्यता के अनुसार पहले जब महाभारत में कर्ण सूर्य देव की और पूजा करने के बाद कर्ण का जन्म हुआ था। इसी तरह की खबर देखने के लिए बीज न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।